हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो भाई आज ब्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर को, क्योंकि आज हमारे लगा हुआ मिस्त्री, जो हमने गेट चेंज कराया है ना बाथरूम का, उसमें जो टैल की टूट फूट हुई है उसे सही करने के लिए लग रहा है। आज मिस्त्री घर पर है और ये चले गए ऑफिस को। मैंने फटाफट काम नहीं उठाया। आज मेरी मशीन भी लगी हुई थी, सारा इधर उधर काम फैल गया एकदम से। पहले मेरे को पता नहीं कि भैया आएंगे ये मिस्त्री वाले, आज जो वे आते हैं ना वे है ना हम जो लेकर आते, तो कंफर्म नहीं कि आएगा आज मिस्त्री। तो अभी फ़िलहाल आ चुके हैं वो, तो अभी लंच का टाइम चल रहा है, तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो फिलहाल चलो देखते हैं आगे क्या होता है। भैया आ गए अपने लंच करते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा काम रह रहा है, ये तो लगा दिए ये वाली, ये जो नहीं चमक रही है ना ये वाली नहीं लगी है सारी ऊपर तक। अभी फ़िलहाल देखो थोड़ा सा काम रह रहा है, अभी हो जाता है फिर दिखाऊंगी सारा प्रॉपर। अभी घर में देखो धूल हो गई, ये वाली टेबल साफ़ करती मैंने, वो वाली देखो कितनी धूल चमक रही है। तो चलो एक बार काम हो जाता है सारा जब करती हूँ यहाँ से साफ ही से। आज क्या कल भी हमें फतेहपुर जाना है, कल भी ना जा पाए, आज जाते आज फिर मिस्त्री आ गए, आज उसके चक्कर में जा पाए। वैसे मैं काम से जल्दी जल्दी इसीलिए निपटा रही हूँ कि हम जाएंगे फतेहपुर, वो आज जा रही है। पिंका दीदी तो आज जाएगी, यानी वो भी कह रही है कि आज से फतेहपुर चलते, तो आज वो जा ही रही है कि हम कह रहे हैं हम तुम्हारे चक्कर में अपने गाँव में ना गए, तुम गाँव में। तो फिलहाल अभी कर लूँ मैं ब्लॉग एडिट, मेरा ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ आज का, देखने में तो जिंदा सा लग रहा है ऐसे। मोर देख कैसे बोल रहे है ना, चलोगे देखेंगे, चलो और आ गए मोर बोल रहे ना भेड़ूंगे और भी कीड़ा कोटी के डरे। तो गाइस हम आए घूमने को, हमें इतना बड़ा शौक मिला पसंद होंगे हवा चल रही ठंडी ठंडी, वैसे तो कीड़ा कोटे को तो डर है। तो भाई ये थोड़ी देर कर रही है रेस्ट इधर, और पीछे देखो क्या बादल। बहन जी थक गए? चलो तो हवा लग रही वैसे तो ठंडी ठंडी, मोंटी वाली बात है, हम पे कोई असर ना पड़े। उड़ मत जाइयो, कितने जवा का झोंका आवे उड़ जाओ। भैया बालक देखियो अब को पंचनामा कर रहे सौंप को ऐसी मुंह लगे। चलो गए छोरा भग्गा। ओ भैया क्या की लंबाई ना पे हमार बेबी इतने खड़ बची है अभी। तो डर जा बाल में एक पा मार जा, अरे तो डर जा ना एक साइड को पता किसी को पैर पड़ जाए। ओए नरील बनाई होएगी आकी तो देखिए सही में ना किसी का सीधो कर दियो तो पता सब पड़ा तो लगी ऐसा रहो जिंदा सा कत ही भी देख देखियो चोट भी ना लग रही। ये
ऐसा रखो भाई, यहाँ पर कैसे डर रही है पर और ही देखी को ऊपर कुछ खड़ा देख, ऐसा लगो यू भी जैसे सांप पड़ा हो। तो भाई मिस्त्री करके चलो, ये टाइल लगा दी है सारी और देखो सारी सही कर दी है। फिलहाल अभी घर की हालत ये हो रखी है, चादर हटा कर लगा दी है मशीन, सोफे के कवर धोने लगा दिए और टेबल कर लिया साफ अंदर तक धो के लेके आ रही हूँ, क्योंकि रेत इतना चढ़ गया सारे घर में, जैसे टाइल कटी है ना, टाइल काटी है भैया ने तो उसकी वजह से रेत चढ़ गया। अभी फ़िलहाल पानी डाल के और वाइपर में पोछा लगा के जब धोने लग रही है मैंने, और वैसे टाइम भी हो गया जो उसका टाइम भी हो गया, क्योंकि जब मिस्त्री लग रहे हो फिर हम कहने लगे बुआ चलो घूमने के लिए चल रहे, पहले बॉक करके आएंगे आए के करेंगे, चलो फिर लेट हो जाता फिर रह जाता घूमना। तो फिलहाल अभी कर लूँ ये साफ, उसके बाद मिलते हैं। चादर वगैरह हटा के सब लगा दिए, ये वाली नहीं निकाली है, ये वाली निकाल दी और इधर बेड की सोफे के कवर वगैरह सब निकाल के चला दिए मशीन। अभी फिलहाल लगा देते हैं ये, और सारे घर में देखो पानी पानी हो रखा है, डर और लग रहा कभी गिर जाऊँ। कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं और इधर लगा दिए क्योंकि बाहर हो रहे बादल बारिश के लिए, और चादर वगैरह ले आई हैं सुबह के, और एक मन कर रहा है यही फैला दूँ, धुल के सूख भी चुकी है, और एक मन कर रहा है कि दूसरी चेंज करके लगा दूँ। तो अभी देखती हूँ पहले लगा दूँ जोत, क्योंकि जोत का टाइम हो रहा है भाई। चलो मिलते हैं, पहले जोत लगा देते हैं, तब तक ये भी हो जाएंगे फिर यही लगा दूँगी साथ के साथ। पूजा मेरी हो चुकी है और आज है दोज, और मेरे को याद आया कि अभी कि मेरे को बनानी थी सेमी भी, और सेमी मेरी बस बन चुकी है, जोत मैं लगा के आ गई, फिर याद आया मेरे को फटाफट से कि याद दोज है दोज में तो लग। तो गई जोत लगा दी मैंने और इधर बना ली सेमी, और साथ के साथ निकाल गए इधर भोग लगाने के लिए, क्योंकि आज है दोज तो दोज के लिए लगा देते हैं भोग इधर बाबा उनको, बाबा वो करो स्वीकार अपना भोग। जय हो मेरे खुली वाले बाबा। तो भी मैंने लगा दिया भोग और खाना बना के हो गया तैयार, क्योंकि आटा लगा दिया है और सब्जी सुबह की रखी हुई है, ये सुबह ही बन गई थोड़ी एक्स्ट्रा, और साथ में बन गई है वैसे ऐसे में, क्योंकि ये खाएंगे नहीं, ये एक ही चीज़ खाएंगे या रोटी खाएंगे इस टाइम, ये सेमी खाएंगे। तो फिलहाल बना दिया मैंने सेमी, तो चलो मिलते हैं कुछ देर में। तो भाई ये चादर लगा देती हूँ अब, क्योंकि ये चादर सूख चुकी हैं और कवर भी सूख गए हैं, अभी फ़िलहाल मैं ये लगा देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप पहले इनको लगा दूँ, क्योंकि जब पहले ये साफ़ क्लियर होते जाएंगे ना तभी घर लगेगा कि हाँ साफ़ हो रहा है, नहीं तो कपड़े फैले रहेंगे तो जब मैं अंदर से कितने सुहा के लगूँगे, तो इधर ये पहले पड़े हैं ना एक कवर वगैरह, तो लगेगा नहीं कि कुछ किया है। और आज बस पूछो मत ना कि जैसे यहाँ पे मशीन चली है ना, यहाँ पे ग्राइंडर से काटे टेल वगैरह, तो मशीन चली है तो उसकी वजह से होगी सारी बेकार, सारे घर में धूल 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 धूल, ये टेल साफ करनी हो रही, ये करूँगी कल या परसों, मेरे को मॉप मंगाना है, फिर वो मॉप आ जाएगा ना, तब देखती हूँ पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लूँ फिर मिलते हैं। तो भाई मैं आने आई हूँ खाना अपने लिए बनाई मैंने घिया की सब्ज़ी, रोटी, अचार और ये इधर सेमी,
और फिलहाल मेरे को लग रही भूख बहुत तेज थी, मैं खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस घर सेट कर दिया मैंने और रात के पता है 12 बज गए, मैं करने लगी थोड़ा रेस्ट। तो रेस्ट करने के बाद जब मैं आई हूँ अंदर, टाइम देखा तो बज रहे थे 11:30, फिर मैंने फटाफट से चादर वगैरह लगा दी मैं, ये सुबह सुबह फिर आफत हो जाए सारे काम की। तो फिलहाल चादर वगैरह लगा के आके लेट गई हूँ। तो भाई पतिदेव जी आए नहीं है, रात के बज गए 11:45, वेट करते करते चादर वगैरह लगा के आ गई हूँ बाहर। तक मैं देख रही टीवी देखने लगी, क्योंकि मैं आज घर थोड़ा साफ़ कराया है ना, वॉक करके आए के पहले वॉक करने चली गई, फिर आके घर साफ़ करा, उसके बाद पैरों में दर्द इतना ज़्यादा होगा कि बस पूछो मत। फिर मैंने खाना वगैरह बना के खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर लगी दोबारा से काम में। तो अब मैं सोफ़े के सेट कवर वगैरह लगा के आ गई हूँ, चादर वगैरह वही धोई मैंने पहले, दोबारा से मशीन लगा दी शाम को, दिन में पहले घर के कपड़े धोए, शाम को फिर जो धूल उड़ी है ना उससे सारे में गंदगी होगी, तो मैं ये मैं झाड़ूंगी करूँगी तो नज़ला हो जाएगा। तो मैंने क्या काम करा कि सारे धो डाले हुए, तो फिलहाल अभी मैं वे धो के सुखा के उन्हें अच्छे से बिछा के आ गई हूँ अंदर। बज रहे रात के 11:45 और इधर खा रही हूँ मैं आइसक्रीम, मैंने इस पर रद्दी कटोरी तो ये चिपक गई नीचे, फिलहाल खा रही हूँ आइसक्रीम। पतिदेव जी आए नहीं है तो मैं कर लूँ उनके पास फ़ोन, देखो कितनी देर में आते हैं फिर, तो चलो मिलते हैं कुछ देर में, तब आ जाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो भाई रात को पता ही नहीं किस टाइम आए हैं, और अब मैं इधर ले आई चाय बना के और चाय पी के बैठे हुए हैं इधर साहब जी। किस टाइम आए रात बताता तो? कार्टन धोई तो 1 बजे पहले आ रहा हूँ। देखो तो सही, 1 बजे तो पहले आ गए आप। तो गाइस रात में 1 बजे वेट सोई इनको वेट करके, और कह रहे 1 बजे तो पहले आ गया। तो भाई चलो अभी फिलहाल ये वाली वीडियो करते हैं एंड, हम यहीं पे ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए करो ये वाला व्लॉग एंजॉय। बस आपको वही करना है, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।